अस्सलामुअलैकुम जी, हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद अरसमी एंड आई एम ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव एट एमसी सॉल्यूशंस। आज की हमारी वीडियो होगी, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो साउथ ऑस्ट्रेलिया का होम बेस्ड क्वारंटीन प्लान, उस पर क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे किन लोगों के लिए होगा, कैसे होगा इन फ्यूचर, इसका आप कह लें कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बेसिकली इसका क्या होगा, इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो काइंडली वीडियो कंटिन्यू जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको डेली रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है जी, साउथ ऑस्ट्रेलिया के बेसिकली जो आपके स्टेट पे मेयर हैं स्टीवन मार्शल, उन्होंने ये अनाउंस किया कि इस वीक में होम बेस्ड क्वारंटीन जो है वो स्टार्ट होगा, जो कि आगे फर्दर जाके इंटरनेशनल ट्रेवल भी इंक्लूड इसमें होगा, उसको भी आगे इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ये फिलहाल जो प्लान स्टार्ट होगा ये उन लोगों के लिए होगा जो साउथ ऑस्ट्रेलिया के बेसिकली रेजिडेंट्स हैं और न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया से वो आना चाहते हैं, और जो उसमें सबसे मजा की और सबसे फनी बात है कि वो उसके लिए स्पेशल एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करेंगे और वो फिर आएंगे, यानी कि विद इन टेरिटरी या विद इन स्टेट्स भी जो है आपको बेसिकली स्टेट एग्जेम्पशन की आपको जरूरत है। तो इट्स क्वाइट फनी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो इतना फनी तो चले, फनी बिट तो बनता है, तो ये कर रहे हैं। आगे मजीद जो फनी होगा वो भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इन्होंने जो स्टेट मेरे इन्होंने ये कहा कि नेशनल कैबिनेट से पिछले महीने दो महीने से ये बात चल रही थी, और उन्होंने कैटेगोरिकली उनको ये बता दिया था कि कल को इंटरनेशनल ट्रैवल भी स्टार्ट होना है, बॉर्डर्स भी ओपन होने हैं, तो होटल बेस्ड क्वारंटीन जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, इंटरनेशनल ट्रैवल के साथ बर्डन वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो होम बेस्ड की हमें तैयारी पहले से टाइम से ही हमें कर लेनी चाहिए, तो उस पर हम साउथ ऑस्ट्रेलिया तो बजिद है और अब वो कर भी रहे हैं, उस पर वो करेंगे, उस पर अप्रूवल जो है वो उनको मिल चुकी है और हर हाल में वो होम बेस्ड क्वारंटीन करेंगे। और मेलबर्न और सिडनी से जो लोग आ रहे हैं स्पेसिफिकली उनके लिए होगा, और जियो लोकेशन के थ्रू और फेशियल रिकग्निशन के थ्रू इन लोगों को ट्रैक किया जाएगा क्वारंटीन में, और हर 15 मिनट के बाद इनसे कंफर्म किया जाएगा कि इनकी लोकेशन क्या है। रैंडमली कंडक्ट होगा ये सारा कुछ, और रैंडमली ये लोगों से पूछेंगे कि हर 15 मिनट के बाद कि वो लोग इस वक्त कहाँ है। ये है जी कोविड 19 को हैंडल करने का, होम बेस्ड क्वारंटीन करने का लोगों को तरीका, यानी कि इस तरह तो यानी कि जेलों में भी नहीं होता होगा जिस तरह ये लोग होम बेस्ड क्वारंटीन में करेंगे। तो ये बस के सिनेरियो लास्ट पथेटिक फॉर्म ऑफ जो जेल आप जिसे कह सकते हैं ना, वो होम बेस्ड क्वारंटीन होगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही प्रोवाइड कर सकता है दुनिया में। बाकी मुल्क तो कहाँ के कहाँ निकल गए, डिजिटल पासपोर्ट पे चले गए, वो ट्रैवलिंग शुरू हो गई है, बॉर्डर ओपन हो गया। ये जो है हर 15 मिनट के बाद उन लोग अपने ही रेजिडेंट्स को ट्रैक करेंगे, पहले तो एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करेंगे, और जब वो आएंगे तो जियो उनकी जियो लोकेशन और फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर यूज होंगे जो, और हर 15 मिनट के बाद उनसे पूछा जाएगा, यानी कि सब वो ट्रैक होंगे बेचारे। तो चले मुबारक हो होम बेस्ड क्वारंटीन, चले एक स्टेप उन्होंने लिया है, बाकी स्टेट्स तो ले रही रही। और इसमें साउथ ऑस्ट्रेलिया के जो हेल्थ ऑफिशियल हैं प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करेंगे जी, और सारा वो चेक करेंगे कि सूटेबल है या नहीं है, वो लोग सही रह रहे हैं या नहीं रह रहे, तो ये सारा कुछ जी चेक होगा लाजमी तौर पर। ठीक है, उसके अलावा विद इन फ्यू वीक्स ये प्लान इसके जो रिजल्ट होंगे ट्रायल बेस के, वो ये नेशनल कैबिनेट को जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, और अगर ये सक्सेसफुल हुआ इन साउथ ऑस्ट्रेलिया तो ये फिर बाकी स्टेट्स के अंदर भी उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होगा, और लेटर ऑन फिर दायरे इंटरनेशनल ट्रैवल्स के लिए भी ये ओपन किया जाएगा, और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो हैं वो एटलीस्ट साउथ ऑस्ट्रेलिया में तो आना शुरू हो जाएंगे। अगर बाकी स्टेट्स ने स्टार्ट कर लिया तो ऑब्वियसली फिर बाकी स्टेट्स के अंदर भी ये इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो आपका स्टार्ट होने लग जाएगा। ठीक है जी, उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जो प्रॉपर एक सबसे पूरे केस में सबसे फनी बात है वो ये है कि एक प्रॉपर जो है क्वारंटीन का साइन दिया जाएगा। अब इस पर अभी एग्जैक्ट वो डिटेल्स नहीं है, लेकिन उनको साइन बोर्ड या कुछ दिया जाएगा जो उन लोगों से कहा जाएगा कि उन्होंने अपने घर के बाहर लगाना है, यानी कि जो स्पेशल होम बेस्ड क्वारंटीन कर रहे हैं उनके घर के पास साइन होगा, और उसका भी पुलिस की तरफ से और सारा स्टेट की तरफ से उन्हें प्रॉपर बताया जाएगा कि किस रूट से उन लोगों ने ट्रैवल करना है होम बेस्ड जो जिन्होंने क्वारंटीन करना है, और वो जो बोर्ड की डायरेक्शन होगी, जो साइन की डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन उन्होंने किस तरह रख दी है। तो ये सारा भी जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है साउथ ऑस्ट्रेलियन स्पेसिफिकली जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये सारा बताएगी कि आप लोगों ने किस तरह घर में क्वारंटीन करना है, किस तरह आपको ट्रैक किया जाएगा, हर 15 मिनट के बाद रैंडमली आपसे पोजीशनिंग आपकी पूछी जाएगी, और आप लोगों ने जो क्वारंटीन का साइन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो घर है ना इससे दूर रहना है, यहाँ पे स्पेसिफिकली जो है ना होम बेस क्वारंटीन चल रहा है, इसके आसपास नहीं भटकना, और उन बेचारों के लिए रूट भी अलग ही होगा। जेल सिस्टम मुझे तो अल्फाज नहीं मिल रहे इस टाइम के, मैं जो यूज करूंगी किस किस्म का क्वारंटीन बेस्ड सिस्टम इन्होंने ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जो नॉर्मल क्वारंटीन सिस्टम है कि जो होटल में क्वारंटीन करना है, इतना वर्स्ट केस सिनेरियो तो वहां पे भी नहीं है जिस तरह इन लोगों ने यहां पे क्रिएट कर लिया, मतलब हद होती है। अगर हर 15 मिनट के बाद ट्रैकिंग होगी, रैंडमली उनसे पूछेंगे
कि कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है। सॉफ्टवेयर उनके सर पर इंस्टॉल किए हुए होंगे और ये सॉफ्टवेयर पे इसलिए बस देता है क्योंकि अगर ओवरऑल पुलिस को इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो उसमें मैं जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स है वो आपके ज़्यादा लगेगा। तो बेहतर ये जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, लोगों को तंग ही करना है चाहे पुलिस हो चाहे कुछ भी हो, तो बेहतर हल ये है कि उनको तंग इस तरीके से किया जाए। तो वो अब ये ऑस्ट्रेलिया जो है अब ये करने जा रहा है। एक इंटेल ऑन द लाइटर, ये तो चले एक जो इनका फनी एलिमेंट था इसमें वो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन ऑन द लाइटर नोट एक अच्छा स्टेप जरूर है। होम बेस्ड क्वारंटीन ये लोग करने जा रहे हैं तो, और ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है, स्टेट में रखिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आगे जाके जब इंटरनेशनल ट्रैवल ओपन होगा ऑब्वियसली बात है होटल क्वारंटीन आप लोग नहीं कर सकते, और होटल क्वारंटीन आप लोग अभी नहीं कर पा रहे। इतनी अगर आप लोग काबिल होते हैं तो आपका कोई भी स्टैंडर्ड ऑस्ट्रेलियन ना होता, कोई भी ऑस्ट्रेलियन बाहर फंसा हुआ ना होता, सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया में होते, सत्यानाश वो एक वो अलग हुआ है। तो उसकी वजह से ये तो इट्स हाईली लाइकली और बल्कि फैक्ट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप सारों को क्वारंटीन जो है वो होटल में कर सके। तो इट्स अ गुड स्टेप और उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, अल्लाह से अच्छी दुआ करनी चाहिए। उम्मीद हम यही रख रहे हैं कि ये प्लान जो है सक्सेसफुल होगा, बाकी स्टेट्स में भी स्टार्ट होगा और ये आगे लीड करेगा इंटरनेशनल ट्रैवल को भी, और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी जो है वो उसमें आ सकेंगे। इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टेप, होम बेस्ड क्वारंटीन बहुत ही अच्छा स्टेप है, देर से ले रहा है यूके, बाकी कंट्रीज तो ले चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन चले ठीक है ऑस्ट्रेलिया एटलीस्ट अब इस उस ट्रैक पे आना शुरू हो गया जिस पे उसको आना चाहिए। सो इट्स अ गुड स्टेप, उसको जरूर जरूर हम सबको इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।